हेलो एवरीबॉडी, मैं धर्मेंद्र कुमार आपके अपने चैनल जीके देखो भाई डीके में आप सभी का स्वागत है। और आज आपके सामने लेकर आए हैं एक और तत्पुरुष समास का भेद, संबंध तत्पुरुष समास। तो आज हम संबंध तत्पुरुष समास के बारे में बात करेंगे और इसके समस्त पदों को आपको अच्छी प्रकार से समझाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि संबंध तत्पुरुष में होगा क्या। जब समस्त पद का विग्रह करते समय का, के और की कारक चिन्हों का प्रयोग होता है वहां संबंध तत्पुरुष समास होता है, इसका ध्यान रखेंगे। जैसे इसका नाम में है संबंध यानी रिश्ता, संबंध तत्पुरुष समास। अब यहां संबंध भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे पिता पुत्र का संबंध, पिता पुत्र का संबंध, पति पत्नी का संबंध, ठीक है। फिर देखिए स्वामी और सेवक का संबंध, गुरु और शिष्य का संबंध। तो यहाँ आसानी समझ सकते हैं कि चार प्रकार के यहाँ संबंध जो है इसमें कहीं ना कहीं हमारे समस्त पदों में आते हैं। तो मैंने यहाँ कुछ शब्द छांट लिए हैं जो हमारे समस्त पद में समस्त पद के उत्तर पद में दिखाई देते हैं। जैसे पति है, बलि है, दाता है, दात्री है, सभा है, रोग है, योग है, दान है, कन्या है, भाषा है, अध्यक्ष है, उदय है, और एक और मैं चीज भूल गया, हाँ सभा आ गया इसमें। इन सब से संबंधित हम उत्तर पदों सॉरी समस्त पदों को लेंगे और उनके अर्थ को विस्तार से समझेंगे। देखिए कैसे, पहले हम लेते हैं पति। अगर हम पति की बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है सेनापति, ठीक है। तो क्या समास विग्रह होगा इसका, सेना का पति, ठीक है, स्पष्ट है, कहा गया है। फिर देखिए लख, लाख का पति, लाख का पति ने लाख रुपए का पति। अब यह पति शब्द का है अर्थ मालिक, क्या है, मालिक या स्वामी, ये पति का अर्थ है यहां, ठीक है। सेनापति सेना का स्वामी, लखपति लाख का मालिक, ठीक है। धनपति धन का पति, धन का पति, ऐसा हो जाएगा। फिर देखिए आप ग्रहपति, ग्रहपति ग्रहपति ग्रह का पति, इसका समास विग्रह कैसे करेंगे हम, ग्रह का पति, ये हो जाएगा इसका, ग्रह का पति, आसानी से दे सकते हैं इसको। बहुत सारे पद हैं हमारे, जैसे भूपति, अब भू मैंने क्या होती है, भूमि, भू का पति, ये हो जाएगा। इस प्रकार से पति शब्द से देख सकते हैं। फिर देखिए आप बलि, बलि शब्द को लेते हैं हम, बलि शब्द को हमने ये ले लिया है, अब बलि की बात करते हैं। जैसे नर बलि, नर बलि, नर की बलि, ठीक है, यहां नर की बलि दी जाती है उसे नर बलि कहते हैं। फिर देखिए पशु बलि, पशु बलि यानी पशु की बलि, ठीक है, पशु की बलि। फिर देखिए आप अशु बलि, अशु बलि, अशु मैंने होता है घोड़ा, अशु की बलि, तो यहां देखिए आप। लेकिन इसमें दो शब्द ऐसे आ जाएंगे जहां आपको थोड़ी समस्या आ जाएगी, कहां देखिए, जैसे मैंने कहा बलि पशु, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, बलि के लिए पशु, बलि के लिए पशु, यहां देखिए आप। फिर देखिए देव बलि, थोड़ा अंतर समझने वाली बात है यहां, ये हो जाएगा देव के लिए बलि, देव के लिए बलि, ठीक है, दोनों में अंतर समझना बहुत जरूरी है।
तभी आप यहाँ गड़बड़ कर जाएं। इसका अलग है, इन दोनों का देखिए अलग है, ठीक है। के लिए किस में आता है आपको पता है? के लिए आता है संप्रदान तत्पुरुष समास में। तो यहाँ संप्रदान तत्पुरुष समास दोनों में, बलि पशु में और देव बलि में। लेकिन यहाँ तीनों में देखिए नरबलि, पशु बलि, अशुभ बलि, यहाँ संबंध तत्पुरुष समास है। गलती मत करना, ऐसे ही प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं जो आसानी से नहीं होते हैं। अगला हमारा शब्द है देख लीजिए दाता। अब आप यहां देख लिए दाता को ले रहे हैं हम, मतदाता, ठीक है, मत का दाता, ठीक, जो मत का दान करता है, ठीक है। रक्तदाता, रक्त का दाता, यानी खून जो देता है उसे रक्त का दाता कहा जाएगा। जीवन दाता, ठीक है, जीवन का दाता, ठीक है। ज्ञान दाता, ज्ञान दाता, ज्ञान का दाता, ठीक है। मतदाता हो गया, रक्तदाता हो गया, जीवन दाता हो गया, ज्ञान दाता हो गया। अगर हम बात करते हैं, ये तो हमारे पुल्लिंग हो गए, अगर हम बात करते हैं मतदात्री, यहां भी ध्यान देने वाली बात है, मत की दात्री, इसका ध्यान देंगे। रक्तदात्री, रक्तदात्री, यहां क्या है, रक्त की दात्री, जो रक्त का दान करती है। जीवन दात्री, इसका भी आप ध्यान रखें, जीवन की दात्री। फिर देखिए ज्ञान दात्री, इसका क्या हो जाएगा, ज्ञान की दात्री, ज्ञान की दात्री, तो इसका भी आप ध्यान रखें, ठीक है। फिर देखिए आप आगे में रहते हैं सभा शब्द को, हमने इसको भी ले लिया और इसको भी ले लिया। अब देखिए सभा, यहां देखिए राजसभा, राजसभा, तो इसका क्या हो जाएगा, राजा की सभा, ध्यान से देखना है। फिर देखिए राज्यसभा हो गया, फिर देखिए आम सभा, आम सभा, यानी आम लोगों की सभा, आम लोगों की सभा। फिर देखिए बाल सभा, ठीक है, बालकों की सभा, बालकों की सभा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं जो हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं। देखिए जैसे यहां भी आपको सभा ही दिखाई दे रहा है, विधानसभा, इसलिए क्लियर कर लो, विधान यानी नियम के लिए जो बनाई गई सभा, ठीक है। फिर देखिए राज्यसभा, राज्य के लिए बनाई गई जो सभा। फिर देखिए आप विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, लोक मैंने कहते हैं जनता को, लोग कहते हैं जनता के लिए जो बनाई गई सभा। अब आप देख रहे हैं कि यहां जो है के लिए के अर्थ में आ रहा है, यहां स्पष्ट देख लीजिए, यहां के लिए का अर्थ है यहां और यहां, और यहां देखिए आप यहां की का अर्थ है, यहां की है, राज्यसभा में, आम सभा में और बाल सभा में, यहां विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा, यहां के लिए है, यहां क्या है, के लिए है, ये के लिए के अर्थ में है।
तो यहाँ आपका हो गया संप्रदान तत्पुरुष समास, और यहाँ हो गया आपका संबंध तत्पुरुष समास। यहाँ की है और का है, ऐसे यहाँ का है और यहाँ की है, संबंध तत्पुरुष समास है। तो आपको ध्यान देना है, कहीं भी गलती नहीं करनी है। रोग शब्द देखिए, यहाँ रोग देखिए, रोग शब्द से ले रहे हैं अब जम, रोग को और योग को लेंगे। यहाँ देखिए चक्षु रोग, चक्षु रोग का मतलब है चक्षु का रोग, चक्षु का रोग, ठीक है। कर्ण रोग, कर्ण रोग, कर्ण में होता है कान, कान का रोग, ठीक है। उदर रोग, उदर का रोग, ठीक है, उदर रोग हो गया है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं हमारे जिनमें चक्षु रोग, कर्ण रोग, उदर रोग, प्रेम रोग, प्रेम रोग, प्रेम का रोग, ठीक है। अगर हम योग की बात करें तो देखिए कर्म योग, कर्म योग की बात कर रहे हैं, कर्म का योग, कर्म का योग, यहां हमारा का आ गया है, ठीक है। फिर देखिए राजयोग, राजा बनने का योग, राजा बनने का योग, ठीक है, इस प्रकार से आता है। फिर देखिए आप दान, अब हम दान की बात करते हैं। दान देखिए प्राण दान, प्राणों का दान, क्योंकि प्राणों का दान जो है प्राणों का दान ही कहा जाएगा, प्राण दान। ज्ञान दान, तो क्या आ जाएगा, ज्ञान का दान, ठीक है, ज्ञान का दान हो गया। लेकिन एक दान ध्यान रखें आप, अगर दान की बात कर रहे हैं तो यहां ज्ञान दान, प्राण दान और रक्त दान, रक्त दान, रक्त का दान। फिर देखिए आप वस्त्र दान, वस्त्रों का दान। लेकिन लेकिन एक बात का अवश्य ध्यान रखें, अगर आपके सामने कहीं आ जाए फूल दान, तो यहां आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहां है फूलों के लिए दान, फूलों के लिए दान का यहां मतलब पात्र, बर्तन। तो यहां हो जाएगा आपका संप्रदान तत्पुरुष समास, फूल दान, फूले के लिए दान इन पात्र है उसको रखने के लिए दान, फूल दान, पीक दान, इसका भी ध्यान रखें, पीक दान। यहां कंफ्यूज मत होना, पीक इन थूकने के लिए दान बनाया गया है वो हो गया पीक दान, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। बात करते हैं हम कन्या की, जैसे हमारा हो गया राज कन्या, तो क्या हो जाएगा, राजा की कन्या, ठीक है, राजे कन्या। देव कन्या क्या आ जाएगा, देवों की कन्या, देव की कन्या, ठीक है, यहां देव की कन्या हो जाएगा। विश्व कन्या, विश्व कन्या, विश्व की कन्या, यानी जिसके अंदर विष है वो विश्व की कन्या होती है, ठीक है। विश्व कन्या, राज कन्या, देव कन्या, ऋषि कन्या, ऋषि की कन्या, ठीक है। फिर देखिए तपस्वी कन्या, तपस्वी की कन्या, ये सब कन्या शब्द आ गया हमारा। फिर देखिए आप भाषा, अगर हम भाषा की बात करते हैं, देखिए भाषा राजभाषा, ठीक है, तो यहां हो जाएगी राजा की
भाषा, ठीक है, ये राजभाषा हो जाएगी, पितृभाषा, पिता की भाषा, ठीक है, फिलेजिया भातृभाषा, ठीक है, भाई की भाषा, ठीक है, फिलेरिजा मातृभाषा, मातृभाषा, माता की भाषा, ये धीरे धीरे सारे निकल कर हमारे आ जाएंगे, इनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अध्यक्ष को बना सकते हैं सेना अध्यक्ष, ठीक है, सेना अध्यक्ष हो जाएगा। फिर आपका सभाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, राज्याध्यक्ष, और उदय में देखिए आप, चंद्रोदय, सूर्योदय, सूर्यो का उदय, चांद चंद्र का उदय, सेनाध्यक्ष सेना का अध्यक्ष, सभाध्यक्ष सभा का अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा का अध्यक्ष। आसानी से इन सबको आप बना सकते हो। जैसे मेरा एक शब्द है गो दान, अगर इसका हम समास विग्रह करते हैं तो गो का दान आता है, ठीक है। अगर हम बात करें मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है गोदान, तो तब ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारा गोचारक, गोचारक, यहां गो का चारक यानी चराने वाला, ऐसे ही गोपालक, ठीक है, गौ का पालक यानी गौ को पालने वाला। आप यहां देखिए गो, और यहां रहा गौ, गौ गौ, इसका भी ध्यान रखेंगे आप, गौ स्वामी, इस पर विशेष ध्यान देंगे आप, गौ का स्वामी, इस पर ध्यान देंगे, जितने भी गौ वाले हैं उस पर ध्यान है, गौ हो जाएगा, गौ 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 गौ, जितने भी गो वाले हैं। जैसे गोवध, गोवध क्या हो जाएगा, गौ का वध, ऐसे गौ हत्या, गौ हत्या, तो क्या गौ की हत्या, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखें आप, जब भी गो वाला कोई आ जाए हमारे समस्त पद, तो वहां जब उसका विग्रह करेंगे तो गौ 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 और गौ करेंगे, इसका विशेष ध्यान रखें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।